फ्लिप फ्लॉप, टी मीन्स होता है टॉगल, तो यहाँ बिल्कुल टी फ्लिप फ्लॉप का मैंने लॉजिक सर्किट डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसमें टी फ्लिप फ्लॉप बिल्कुल जे के फ्लिप फ्लॉप की तरह है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे टी जे और के को शॉर्ट कर दिया गया है। ओके, यहाँ पे मैंने सिंबल बनाया हुआ है, सिंबल भी देख सकते हैं, इसमें जे और के शॉर्ट हैं, बिल्कुल सिमिलर जे के फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक है, क्यू एन एंड क्यू एन बार है। तो जे के फ्लिप फ्लॉप जब लास्ट क्लास हमने पढ़ा था, तो जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या था, जे के फ्लिप फ्लॉप के अकॉर्डिंग ही हम इसकी ट्रुथ टेबल को फिल करेंगे, क्योंकि जे के फ्लिप फ्लॉप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है कि बार बार उसको इसमें वैल्यूज पुट करके देखो, हम सिमिलरली ऐसे ही कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जब हमने देखा था, यहाँ पे क्या है टी, यानी अब जे और के यानी दोनों क्या हो गए, हम एक ही हो गए, तो कंडीशन क्या होगी, दोनों ज़ीरो या दोनों वन, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ ज़ीरो दे सकते हैं या वन दे सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलर हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं, मान लेते हैं ये वाली कंडीशन है जब हमारे दोनों ही ज़ीरो हैं, मतलब टी ज़ीरो है मीन्स के जे भी ज़ीरो है, के भी ज़ीरो है, तो हमारे जे और के ज़ीरो कहाँ है, दोनों इसमें ज़ीरो हैं, जे और के दोनों इसमें ज़ीरो हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा था, जब हमारा क्यू एन ज़ीरो था तो क्यू एन प्लस वन क्या आ रहा था, ज़ीरो आ रहा था, और जब हमारा क्यू एन वन था तो क्यू एन प्लस वन क्या आ रहा था, वन आ रहा था। तो सिंपल है, जब हमारा क्यू एन ज़ीरो है तो हमारा क्यू एन प्लस वन ज़ीरो आएगा, और जब हमारा क्यू एन वन है तो हमारा क्यू एन प्लस वन क्या आएगा, वन आएगा। तो बिल्कुल सिंपल ये जे के फ्लिप फ्लॉप से हो गया। अगली कंडीशन क्या है, जब टी वन है, ठीक है, अगली कंडीशन यही हो सकती है, टी वन होगा मतलब दोनों ही वन है, जे और के दोनों ही वन है, तो जहाँ जे और के दोनों वन है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जे और के क्या है, दोनों ही वन है, जे भी वन के भी वन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यू एन ज़ीरो है तो क्यू एन प्लस वन क्या मिल रहा है हमें, टॉगल मिल रहा है, यानी जस्ट उसका अपोजिट, कॉम्प्लीमेंट। तो सिंपल है, क्यू एन ज़ीरो है तो क्यू एन प्लस वन वन है, और क्यू एन वन है तो क्यू एन प्लस वन क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमारा क्यू एन ज़ीरो है तो क्यू एन प्लस वन क्या होगा, वन होगा, और जब क्यू एन वन है तो क्यू एन प्लस वन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ये थी इसकी ट्रुथ टेबल, जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें वैल्यूज़ रख के देख सकते हैं हम, ज़ीरो और वन रख के कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम जे के फ्लिप फ्लॉप कर चुके हैं तो इसीलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं इसकी सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना देती हूँ, जो कि बहुत छोटी सी बन जाएगी। कैसे बनेगी, अगर हमारा टी ज़ीरो है तो क्यू एन प्लस वन क्या आ रहा है, दोनों कंडीशन में हम देख सकते हैं टी यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, तो हमें क्यू एन प्लस वन क्या मिल रहा है, क्यू एन ही मिल रहा है, यानी जो क्यू एन पे है वही हमें क्यू एन प्लस वन पे मिल रहा है, तो हम क्यू एन प्लस वन पे क्या लिखेंगे, क्यू एन। ओके, तो यहाँ हमें क्यू एन मिल रहा है, और अगली जब हमारा टी वन है हमारा, तो हमें क्यू एन प्लस वन पे क्या मिल रहा है, क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट, यानी क्यू एन अगर ज़ीरो है तो क्यू एन प्लस वन क्या है, जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ मिल रहा है हमें क्यू एन बार। तो ये सिंपल हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेबल, तो बिल्कुल सिंपल है टी फ्लिप फ्लॉप। होप यू अंडरस्टैंड।